पाकिस्तान आसे चलाए जा करदे आतंकवादी साजिशें ते बंदिशां लई जमाते इस्लामी गुट की अलगाववादी ते कट्टरपंथी गतिविधियां आले मामले च जम्मू कश्मीर च कई थारें कीती छापेमारी। लोगों की सामाजिक सुरक्षा देने वाली स्कीमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ते अटल पेंशन योजना के आज 8 बरे हुए पूरे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ ने यात्रा प्रबंधन की की समीक्षा, आख्या जे बेहतर साफ सफाई लई नोडल अफसर किए जान तैनात ते यात्रा पंजीकरण ते केवाईसी की प्रक्रिया की भी बनाया जा आसान। डोडा सड़क हादसे च एक जने की मौत, 4 दुए जख्मी, गंभीर तौर पर 2 जख्मी गए हवाई रस्ते राय पहुंचाया गया जीएमसी जम्मू। नमस्कार, डीडी काशीर थमां प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें दे बुलेटिन च तुंदा सभने दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर, तुहानू पेश खबरां तफसील कन्नै। जम्मू कश्मीर च आतंकवाद गी रपया पैसा पजाने आले दे खिलाफ जारी कार्रवाई दे तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए बंदिश आले जमात इस्लामी संगठन दी अलगाववादी ते कट्टरपंथी गतिविधियों दे मामले च कई थारे छापेमारी की। एक बयान च एनआईए ने आख्या जमात इस्लामी दे मैंबरें ते समर्थकें दे 16 थारे उपर छापेमारी की गई है, जिंदे च 11 जिला बारामूला ते 5 किश्तवाड़ जिले च शामिल ने। इस छापेमारी दौरान कई भांति दे एतराजयोग समान ते डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। जमात इस्लामी संगठन की 2019 च कानून विरोधी गतिविधियों लई गैर कानूनी जमात घोषित किए जाने के बावजूद उसी जम्मू कश्मीर च आतंकवाद गी रपया पैसा पजाने आले कई मामले च शामिल पाया गया। एनआईए का आखना है कि जांच दौरान पता लगा है कि जमात इस्लामी के सदस्य देशों के अंदर ते बाहरले मुल्खें भी पढ़ाई लिखाई ते सेहत सहूलतें के नाम उपर दान राय पैसा किट्ठा करते हैं, पर इस पैसे की हिंसक ते कट्टरपंथी गतिविधियों लई जम्मू कश्मीर च इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह पैसा आतंकवादी संगठने जियां हिजबुल मुजाहिदीन, लश्करे तैयबा तक जमात इस्लामी कैडर के नैटवर्क राय पहुंचाया जाता है। साढ़े पुंछ वाले संवाददाता ने जानकारी दी है कि पुंछ च एनआईए की टीम ने शंकरनगर इलाके थमां एक व्यक्ति की नाई की एक दुकान ते एक घरै परा छापेमारी दौरान गिरफ्तार किया। रजौरी जिले के कंडी इलाके ते आले दुआले के जंगलों च फौज नीम फौजी बलें ते जम्मू कश्मीर पुलिस आसिया तलाशी वाली मुहिम अज 5वें दिहाड़े च दाखल हो गई। इस दौरान हैलीकाप्टर, ड्रोन ते पैरा कमांडो का भी इस्तेमाल किया जा करता है। रजौरी जिले के कंडी वाले जंगलों के कसेरी वाली पहाड़ियों च 5 मई की एक आईईडी धमाके च 5 पैरा कमांडो के शहीद हो जाने ते एक मेजर रैंक के अधिकारी ते जख्मी होने के हमले च शामिल आतंकवादियों की मारी मकाने लई फौज ते पुलिस ने अपनी तलाशी मुहिम होर तेज कर दी है। इस संबंध में कोई अद्धे दर्जन संदिग्धें की फगड़िए उन्दे शा पुछगिछ की जा करती है ताजे आतंकवादियों की नकलो हरकत ते उन्दे आसिया जंगलों च इस्तेमाल किए जाने वाले छपने वाले टिकाने का पता लाया जा सके। इस गल्ला की पूरी उम्मीद है कि सुरक्षा बल जंगलों च मौजूद कुदरती गुफाएं जिंदा इस्तेमाल आतंकवादियों आसिया छपने वास्ते किया जाता है उन्हें नष्ट कर सकते हैं, ताजे इस गल्ला की यकीनी बनाया जा सके जो भविख च आतंकवादी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकन। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे थमां रेंजरें आसिया गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले साल अप्रैल महीने सत्ता थमां बेदखल होने के मगरा उनके खिलाफ 100 थमां मते मामले च कार्रवाई की जा करती है। अविश्वास मत च नाकाम रोने के मगरा उन्हें प्रधानमंत्री के अहुदे थमां हटाई दिता गया है, जो कि कथित तौर पर मनिया जा करता है कि अमरीका की अगुवाई च रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा ही, जिदे तहत उन्हें निशाना बनाया गया कि जे रूस, चीन ते अफगानिस्तान की लेइए उनके आजादाना विदेश नीति वाले फैसले उसी रास नहीं आवा करते हैं। पुलिस आसिया इस संबंध च जारी किए गए एक बयान च आख्या गया कि इमरान खान की उस मामले च गिरफ्तार किया गया जिदे च पीटीआई प्रमुख ते उंदी घरवाली ने कथित तौर पर एक रियल एस्टेट फर्म थमां अरबां रुपए ले ताजो अपने 50 बिलियन रुपए की जायज बनाई सकन। बयान च भी आख्या गया कि इस्लामाबाद हालात पूरी चाली आम ध्याड़े आले लेखा न, शहर च दफा 144 लाई गई है ते इहदी खिलाफवर्जी करने आले खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाग। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ते अटल पेंशन योजना ने अज 8 बरे पूरे करी ले। लोगों की सामाजिक सुरक्षा ते सस्ती बीमा योजना उपलब्ध कराने लई ए स्कीमां एक भूमिका अदा करा करदियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 च अजैद ध्याड़े पश्चिम बंगाल के कोलकाता थमां ए स्कीमां शुरू कीतियां हियां। सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की ही ताजे असंगठित तबके के लोगों की आर्थिक तौर पर सुरक्षा दी जा सके। सरकार ने अटल पेंशन योजना भी शुरू की ताजे बुजुर्गों की इसके तहत आनिया जा सके। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 बरे की जीवन बीमा स्कीम है जिसे 1 बरे मृत्यु तक अगे बधाया जा सकता है। इस स्कीम तहत मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर होता है, इसके लिए 1 बरे 436 रुपए का प्रीमियम देना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 बरे की दुर्घटना बीमा योजना है जिसे 1 साल अगे बधाया जा सकता है। इस कुसार से मृत्यु या फिर दिव्यांगता की सूरत लाभार्थी की 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद होती है। इस स्कीम तहत 1 बरे 20 रुपए का
प्रीमियम देना होगा। दूरदर्शन समाचार जम्मू ने इन स्कीमें के लाभार्थियों के गलबात की और ये इसमें एक्सीडेंटल क्लेम भी मिलता है जो कि हमको सिर्फ एक मामूली सी किस्त साल की 20 रुपए लगती है जो कि हर बैंक में उपलब्ध है। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे उत्तम और बढ़िया स्कीम है। मोदी जी की जो स्कीम थी कि जो इंश्योरेंस की 12 रुपए की प्रति साल के लिए, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसका जो लाभ है पूरा इंडिया के जो जितने भी हमारे जो देश के लोग हैं सबने फायदा उठाया और स्कीम काफी लाभदायक है। इस स्कीम से आप बैंक में जाकर अपना बीमा खुलवा सकते हैं सिर्फ 12 रुपए का योगदान करके, और इसमें आपको 2 लाख का बीमा कवर जो है वो मिलता है। अटल पेंशन योजना तहत लाभार्थी के योगदान के आधार उपर 59 बरे की उम्री के बाद लाभार्थी की 1000 थमां लेके 5000 रुपए की माहवार पेंशन दी जाग। दूरदर्शन समाचार कन्ने गल करते इस योजना के लाभार्थी अपने विचार रखे। पेंशन की बहुत अच्छी है एक बुजुर्गों के लिए, और भी ऐसी स्कीमें सरकार ने लंजाई, मैंने खुद भी ये काम करवाया और बाकी हमारे साथियों को भी चाहिए कि कराना चाहिए। हमारे पास स्कीम है और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। जो सरकार की स्कीम है अटल भर्ती वो बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत फायदा उसको मिलता है। ये जो गवर्नमेंट का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें जो हैं वो निकालती हैं उसमें आवाम को बहुत ज्यादा फायदा है। उपराज्यपाल ते प्रधान सचिव ते श्री अमरनाथ स्थापन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनदीप के भंडारी होरे 2023 बरे होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन का जायजा लेने वास्ते मुतलका डिप्टी कमिश्नर ते संबंधित विभागों ने एक मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्हें श्रद्धालुओं की आधार शिविर लंगर आली थाने ते रस्ते च दित्ती जाने वाली साफ सफाई आली सहूलतें लई कीते जा करदे प्रबंधन का जायजा लिता। यात्रा कैंपें ते रस्ते की साफ सुथरा रखने वास्ते श्री भंडारी होरे संबंधित महकमे की खास खास थारे उपर नोडल अफसर तैनात करने लई भी हिदायतां दित्तियां तां जे रस्ते च सबने कैंपें च साफ सफाई बनाई रखी जाई सके। ताई भंडारी होरें यात्रुएं दे पंजीकरण रेडियो वायरलैस यंत्र RFID ते EKYC आस्ते बनाई गई प्रक्रिया की भी समीक्षा की। ए जानकारी दी गई जे खास तौर पर तैयार किए गए पोर्टल उपर आधार कार्ड जोड़िया जाग जिस कन्ने श्रद्धालु की जानकारी दे ब्यौरा अपने आप हासिल होई जाग। यह भी दस्या गया जे पंजीकरण करने वाली हर शाखा से यात्रुएं के पंजीकरण लई प्रतिदिन के हिसाबे प्रति रूट उपर कोटा तय कर दिता गया। टेक्निकल टीम ने पेशकारी दौरान दस्या जे जिन्हें यात्रुएं के परमिट उपर EKYC होग उनकी परतिए की तस्दीक की लड़ नहीं होग, पर जिन्हें यात्रुएं कोल EKYC नहीं होग उनकी RFID कार्ड जारी करने थमां पहले तस्दीक कराने की लड़ होग। और जानकारी देते हुए दस्या गया जे यात्रा से श्रद्धालुओं लई आधार कार्ड से यात्रा का पंजीकरण लाजमी होग। विज्ञान ते प्रौद्योगिकी महकमे के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आखिर तकनीक उपर आधारित शासन मोदी सरकार की पिछले 9 बरे की मुख्य पंछान रही है। मसूरी च लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकैडमी च मिड करियर सिखलाई कार्यक्रम के IAS अधिकारियों अगे मुख्य भाषण देंदे हुए मंत्री होरें आख्या जे सत्ता च आने मगरा थमां गै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का मूल मंत्र दिता हा ते इसे मुमकिन बनाने लई उन्हें तकनीक के बदोबद इस्तेमाल उपर उपरोतली जोर भरिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आखिया एक पक्षी मोदी सरकार ने अपने दस्तावेजें की आपू तस्दीक करने ज इंटरव्यू खत्म करने जिन्हें कई गैम पुटते हुए जीवन की आसान बनाने की कोशिश की। उत्थे गए सरकार ने सिविल प्रशासनिक अधिकारियों लई बेहतर काम करने लई साजगार माहौल बनाने का भी काम किया। केंद्रीय मंत्री होरें आखिया जे हुण आउंदे 5 बरे दौरान यह चुनौती रोग जे तकनीक के इस्तेमाल से इंसानी काम करने च पूरी चाली बरोबरी बनाई रखी जा सके। इहदे अलावा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ते ह्यूमन इंटैलीजेंस विचकार भी सामापन बनाई रखने दे जरूरी जतन किए जा करदे हन तां जे इहदे दोनों का इस्तेमाल करदे हुए बेहतरीन नतीजे हासिल किए जा सकन। विज्ञान ते प्रौद्योगिकी महकमे के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आखिया जे भारतीय स्टार्टअप नवाचारकें ते कुल रलाइए साइंसदानें लई इह बड़ा गै खरा दौर चला करदा है कि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च केंद्र सरकार उनेंगी अपना पूरा हुनर ते समर्थ दसने ते नवीआं नवीआं काढ़ां कढ़ने लई हर चाली दी मदद तैयार करदी है। अज नवीं दिल्ली च साइंस ते तकनीकी महकमे दी पेशेवराना इकाइयें ते निदेशकें ते अध्यक्ष अगे स्वागती भाषण दिंदे होए डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई वाली सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी ते नवाचार की बढ़ावा देने लई चेचे जतन कीते न। उन्हें आख्या जे पिछले 9 बरे च देश ने विज्ञान ते तकनीक दे हर खेत्र च लंबीआं दलांगां पुट्टीआं न। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले च अज होए दे बस हादसे च घट्टो घट 22 जने की मौत हो गई ते तकरीबन 31 जख्मी हो गए। राज्य सरकार ने इस हादसे च जान मुआने वाले दे नेड़में संबंधियों की 4-4 लाख रुपया अर्जाना देने की घोषणा की है, जिसलै कि जख्मियों की 50-50 हज़ार दिते जांगन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें इस हादसे च कीमती जाने के नुकसान उपर बड़ा मता दुख ते बसोस जताया। एक ट्वीट च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें जख्मियों की तौले नरे होने की कामना की। उन्हें आखिया जे राज्य सरकार की देखरेख च मुकामी प्रशासन हादसे वाली थारा पर हर मुमकिन मदद उपलब्ध करवा करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष थमां हर मरोने वाले के नेड़में संबंधी की 2 लाख रुपए ते जख्मियों की 50-50 हज़ार रुपए की सहायता दी जाग।
डोडा जिले अज दोपहर एक कार के छिड़के थमां रुड़किए डूंगी खड्डे च जाई पाने कारण एक महिला की मौत हो गई जिसल के चार और दुए जख्मी हो गए। इस हादसे च मरोने वाली महिला की पंछाण डोडा के सतवास इलाके के रोने वाली पायल देवी के तौर पर की गई है जिसल के जख्मियों की पंछाण सतवास के रोने वाले संदीप सिंह अरुणदीप रकवाल प्रियांशी देवी जम्मू की रोने वाली संतोषा देवी के तौर पर की गई है। एसएसपी डोडा हुंदे मुताबक सबने जख्मियों की डोडा के जीएमसी भजाया गया जिथे डॉक्टर एक महिला की मोए का आंदा घोषित कर दिया गया। गंभीर तौर पर जख्मी दो जने गए हवाई रस्ते राय जीएमसी जम्मू माहिरा इलाज वास्ते भेजा गया। तोई प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर च राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें डोडा के डिप्टी कमिश्नर हुंदे कन्ने गलबात करिए इस हादसे की जानकारी हासिल की। जख्मियों की हर चाली की मुमकिन मदद पहुंचाने लिए हिदायतां जारी की। जख्मियों च दो विद्यार्थी भी शामिल ने जिहड़े नीट का इम्तिहान देकर वापस आवरदे हैं। बाकी जो इलाज है उनका डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो अपना डोडा में जीएमसी है काम चल रहा है। इस महीने श्रीनगर च होने वाली G20 कार्यकारी समूह की बैठक के मद्देनजर अधिकारियों शहर के प्रसिद्ध डल लेक की सफाई का अभियान मिशन मोड उपर शुरू किया है। शहर च झीलें की सुंदरता की बहाली 500 मजूरों की कमें पर लाया गया है। इस महीने की 22-24 तरीक तक डल झील के कंडे शेरे कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र SKICC च G20 के सैलसफा समूह की मीटिंग होना तय जिसले सफाई वाला काम जोरे शोरे कन्ने जारी है। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने पुंछ च दिशा की बैठक लोइए बन्ने वाले जिले केंद्र आसिया चलाई जाकर स्कीमें की अमलावरी की समीक्षा की। इस बैठक च जिला विकास कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर PWD PDD PHE PM GSY दे एग्जीक्यूटिव इंजीनियरें के अलावा और दुए जिलाधिकारियों हिस्सा लैता। जुगल किशोर शर्मा जिहड़े दिशा के चेयरमैन भी हैं उन्हें बख बख स्कीमें की लागू करने च निगरानी ते दिखरेख करने के महत्व उपर लोह पांदे हुए अधिकारियों की आख्या जो केंद्र आसिया चलाई जाकरदी स्कीमें की तय समय सीमा के अंदर असरदार तरीके कन्ने पूरा करी लैणगे की यकीनी बनान ताजे इनका पूरा फायदा योग्य लाभार्थियों तोड़ी पुजे। इहदे शा पहले जिला विकास कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी होरें 2022-23 माली बरे च बख बख केंद्र प्रायोजित स्कीमें तहत हासिल उपलब्धियों की तफसीली जानकारी दी। इहदे अलावा उन्हें इसलिए जारी बख बख परियोजनाएं बारे भी दसाया। और वो तभी मिल सकता है जब ये जो जिला की एडमिनिस्ट्रेशन और इनके जितने भी ऑफिसर हैं वो एकजुट होकर काम करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव लिए मतदान कल लोग वोट पाने का काम बड़ला 7 बजे शुरू होग ते संझा 6 बजे तोड़ी चलता रोग। 224 विधानसभा सीटें लिए कुल रलाइए 2615 उम्मीदवार चुनावी मैदान च। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार खडेरे देन। कांग्रेस 223 जनता दल सैकुलर 209 सीटों पर चुनाव लड़ा करती है। आम आदमी पार्टी ने भी 209 सीटों पर अपने उम्मीदवार खडेरे देन। चुनाव आयोग ने साफ सुथरे ते निरपक्ष तरीके कन्ने चुनाव कराने लिए व्यापक इंतजाम किए देन। मतदान करवाने लिए तकरीबन 3 लाख चुनावकर्मी की तैनात किया गया है। भारत सरकार यूटी गवर्नमेंट कन्ने रलिए घट पढ़ी लिखी ते दूर दरेडे इलाके च रोने वाली महिलाएं की SBI दे ग्रामीण स्वरोजगार सिखलाई संस्थान दे जरिए बख बख कमे च सिखलाई देइए उनेंगी बाइख्तियार बनाने लिए बड़े मते जतन करार दी है। इस सरबंधा च उधमपुर च टल्ले की कटाई ते सिलाई वाला एक त्रीए दिने का सिखलाई कैंप चलाया जा करता है जिथे जिले के दूर दरेडे इलाके दी 28 महिला हिस्सा लै करदी हैं। इत्थे सिखलाई हासिल करने मगरा ए महिला अपने अपने ग्रां च टल्ले की कटाई ते सिलाई ते काम करिए अपने रोजी रोटी कमा सकती हैं। कोर्स सीखना आए ताकि हम अपनी तरक्की कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपनी इनकम जनरेट कर सके। इनका मेन जो यहाँ पे हम ट्रेन करके ये बच्चे अपने रूरल एरिया में जाके अपना रोजगार खुद मतलब चला सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो बैंक की तरफ से भी जितने भी इनको फाइनेंस हो की तरफ से जो भी बैंक इनके नजदीक होते हैं उनसे पूरा इनको फाइनेंस मिलकर अपना काम धंधा कर सकते हैं। मुल्खा च राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत अजे तोड़ी कोविड के 220 करोड़ 66 लाख को बद टीके लाए जा चुके हैं जिंदे 24 घंटे दौरान 2780 टीके लाए गए। उन्हें तोड़ी कोविड महामारी कारण 531707 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वाले मरीजों की शरह 98.76% हो गई है। पिछले 24 घंटे दौरान 1331 नवे मामले दर्ज होने कन्ने मुल्खा च सक्रिय मामले की कुल गिनतरी 25178 को घटिए हूं 22742 रही गई है। उत्तरी रेलवे आसिया जम्मू कश्मीर च मौजूद 135 किलोमीटर लंबी बनिहाल बारामूला रेलवे लाइन की डबल ट्रैक किए जाने की उम्मीद है। एदे लई सर्वे का काम पूरा करने आसे केंद्र सरकार आसिया टेंडर अलॉट कर दिते गए। कश्मीर रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर साकिब यूसुफ हुंदे आसिया दी गई जानकारी मुजब रेलवे ने हुण खीरी जगह का सर्वे शुरू करने आसते टेंडर मंगया ताजे बारामूला काजीगुंड सैक्शन का डबल लेनिंग का काम शुरू किया जा सके। मौजूदा समय च बारामूला थमां काजीगुंड तक इक्के रेलवे लाइन है। जेकर इस परियोजना की मंजूरी थोई जंदी है तो रेलवे की मौजूदा समर्थ दूनी होई जाग। सांबा का जिला अस्पताल OPD च पंजीकरण लिए आने वाले मरीजों की भीड़ की घट करने स्कैन से शेयर की सहूलत शुरू करिए
बड़े अस्पतालें की श्रेणी च आई गया। सांबा जिले का प्रशासन जिले के और दुए बड़े अस्पतालें च भी इस सहूलत शुरू करने उपर सोच विचार करारदा है। अस्पताल के मैडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मोहिंदर शर्मा ने दूरदर्शन समाचार कन्ने गल करदे होई आख्या कि इस स्कैन एंड शेयर वाली सहूलत कन्ने आभा शनाख्ती कार्ड तैयार करने ते 100% जनता की इहदे च शामिल करने च मदद होग। एक तो जो लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं उसको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड में आपको पर्ची मिल जाएगी। दूसरा जो आपका रिकॉर्ड होगा वो सारा डिजिटल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वक्त आने वाला जो वक्त है वो डिजिटल वक्त है। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डिजिटाइज हैं, तो आपका हेल्थ कार्ड भी डिजिटाइज हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट के जो अभी मेजर हॉस्पिटल में इनमें ये फैसिलिटी शुरू हो गई है। खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, इजाजत, नमस्कार।